साउथ की मूवीज देखना पसंद है और वो भी थ्रिलर्स, 5 ऐसी मूवीज बता रहा हूँ जो आपका वीकेंड तो क्या आपका पूरा दिमाग हिलाकर रख देगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वो 5 मूवी की डिटेल्स देने वाला हूँ। नंबर 1, एजेंट साई। शहर में लगातार ट्रेन के पास डेड बॉडीज मिल रही है। ये डेड बॉडीज किसकी है, कौन इन्हें छोड़कर जाता है, कुछ भी पता नहीं है। एक डिटेक्टिव इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर देता है और ये डिटेक्टिव है एजेंट साई। जी हाँ, नवीन पॉलिशेट्टी, श्रुति शर्मा स्टारर एजेंट साई एक बहुत ही मस्ट वॉच मूवी है। इतने कम बजट में बनी एजेंट साई आपको हॉलीवुड लेवल का एक पूरा ही डिटेक्टिव सीन देखने को दे देती है। बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म एजेंट साई आपको हॉलीवुड की डिटेक्टिव मूवीज़ की टक्कर देती है। ये फिल्म इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है, इस फिल्म का प्लॉट, इस फिल्म का ट्विस्ट इतना ज़्यादा इमोशनल है कि वो आपको भी रोने पर मजबूर कर देगा। इस फिल्म को 8.3 रेटिंग मिली है। डायरेक्टर की बात करें तो वो है स्वरूप RSJ। ये फिल्म Amazon पे तो अवेलेबल है ही, लेकिन आप इसे फ्री में YouTube पर भी देख सकते हैं। ये मस्ट वॉच मूवी है, इसे ज़रूर देखिए। नवीन पॉलिशेट्टी के आप दीवाने हो जाएंगे। कॉमेडी के साथ साथ इमोशन भी इस फिल्म में भर भर के है। नंबर 2, पार्किंग। ऐसी खबरें तो आपने सुनी ही हैं कि पार्किंग के चलते 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई होगी। बस एक पार्किंग स्पॉट को लेकर के 2 कैरेक्टर आपस में इस फिल्म में कुछ इस कदर लड़ जाते हैं कि एक दूसरे की जान लेने को उतावले हो जाते हैं। सिर्फ एक कार पार्किंग को लेकर के दोनों के बीच इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि फिल्म में इसे इस तरह से दिखाया है कि आपकी भी रूह कांप जाएगी। फिल्म में लीड रोल में हरीश कल्याण है, MS भास्कर है, इंदुजा रविचंद्रन है। फिल्म की कहानी है एक ईश्वर नाम के लड़के की जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी अधिका के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। उस घर में पार्किंग स्पॉट को लेकर उसे कितनी झंझट, कितने ज़्यादा झगड़ा मोल लेना पड़ जाता है, ये इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और लास्ट में जो इस फिल्म में ट्विस्ट दिखाया है वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म हॉटस्टार पर है, हिंदी में अवेलेबल है। इस फिल्म को 7.9 रेटिंग भी मिली है IMDb पर। नंबर 3, थड़म। 2 आइडेंटिकल ट्विन्स भाई, एक दूसरे की जान के उतावले, एक दूसरे को देखते ही मारने को तैयार, और जिनमें से एक ने किया है मर्डर और दूसरा भी पकड़ा गया है। दोनों एक ही मर्डर के लिए अरेस्ट हुए हैं। अब इनमें से कौन सच्चा कौन झूठा ये फिल्म में पता चलेगा। अरुण विजय इस फिल्म में डबल रोल करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म में इंस्पेक्टर का किरदार विद्या प्रदीप ने निभाया है। इनके अलावा तान्या होप और योगी बाबू भी इस फिल्म में हैं। फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर की बात करें तो मगीज थिरुमणि ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म को 8.1 रेटिंग मिली है। YouTube पर आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, लेकिन गलती से भी आप इसका बॉलीवुड का रीमेक ना देखें, गुमराह, वरना आप भी गुमराह हो जाएंगे। नंबर 4, रत्सासन। इस फिल्म के बारे में तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। शहर में लगातार मर्डर हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मारा जा रहा है। कातिल कौन है ये नहीं पता। जब भी कातिल के पास जाते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है। एक जादूगर है जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने कब्जे में करके उन्हें मार रहा है, और क्यों ये लास्ट में पता चलता है। रत्सासन तमिल ये मूवी है, 2018 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में विष्णु विनोद, अमाला पॉल और श्रवणन लीड रोल में नज़र आते हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, किस तरह से जो लीड एक्टर है वो एक क्राइम राइटर बनना चाहता है और इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहता है, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद वो पुलिस फोर्स में आ जाता है और कैसे एक साइकोलॉजिकल किलर को पकड़ लेता है। ये फिल्म एक मस्ट वॉच मूवी है, लेकिन फिर से कहूँगा, गलती से भी इसका बॉलीवुड रीमेक कठपुतली ना देखे, अक्षय कुमार ने रेड कर दी पूरी पिक्चर की। नंबर 5, विक्रम वेधा। 2017 में ये तमिल मूवी आई थी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। भाई आर माधवन, विजय सेतुपति जैसे 2 बढ़िया एक्टर एक फिल्म में हो जिसमें एक हीरो और एक विलन हो, और ये भी ना पता चल पाए कि लास्ट में विलन कौन है, भाई वाह, इसे कहते हैं स्टोरी। इस फिल्म में दोनों के साथ श्रद्धा श्रीनाथ भी हैं। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पुष्कर गायत्री। 8.2 इस फिल्म को रेटिंग मिली है और हॉटस्टार पर ये मूवी अवेलेबल है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की बॉलीवुड रीमेक विक्रम वेधा ना देखकर आप इसे देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लास्ट में आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो 5 ये साउथ मूवीज़ देखिए और सस्पेंस से भरा अपना वीकेंड बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।